हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आंसर शीट को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो स्टेप टू मेक बोर्ड एग्जाम शीट इफेक्टिव, नंबर फर्स्ट, राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, हमेशा आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है? लाइक नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। कभी भी आंसर जो है ज्यादातर पैराग्राफ में नहीं देना चाहिए। नंबर टू, एक्सप्लेन योर टॉपिक विद इफेक्टिव हेडिंग्स। यू कैन यूज ब्लैक पेन आल्सो टू मेक हेडिंग इफेक्टिव। तो स्टूडेंट, जो आपके हेडिंग है पेपर के अंदर वो थोड़े से इफेक्टिव होने चाहिए। लाइक आप उसके ऊपर थोड़े से बादल से ड्रॉ कर सकते हो, है ना, और आप उसको अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो। तो आपका हेडिंग थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका पेपर जो है, आंसर शीट जो है वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हेन यू कंप्लीट योर न्यूमेरिकल्स ऑन योर आंसर शीट, राइट यूनिट्स विद योर आंसर। तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसके पीछे आपने यूनिट जरूर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको मीटर्स के अंदर, अगर आपका आंसर मीटर्स के अंदर आ रहा है तो आप मीटर्स के अंदर लिखिए, ठीक है? और अगर आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में आ रहा है तो यूनिट जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट डिफरेंसेस इन टेबलर फॉर्म। तो स्टूडेंट, कभी कभी आपको एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे गए होते हैं, तो उनको आपने कैसे लिखना है? इन टेबलर फॉर्म। टेबल फॉर्म मतलब दोनों साइड जो है लाइन लगानी है और बीच में एक लाइन लगानी है, ताकि आपका टेबल सा बन जाए और वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है एज कम्पेयर टू आपने जब सीधा लिख दिया। मान लीजिए आपने डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट, आप कैसे करोगे इसको? आपने बीच में लाइन लगानी है सेंटर में, तो टेबल सा बन जाना चाहिए, तभी पेपर थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेक मैक्सिमम डायग्राम। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने हैं अपने पेपर के अंदर। सो लाइक वो डायग्राम ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका बायो का पेपर है तो बायो के डायग्राम होंगे, फिजिक्स का पेपर है तो बहुत सारे डायग्राम होंगे उसमें भी, और केमिस्ट्री में भी बहुत सारे डायग्राम होंगे, और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट का पेपर है तो स्टूडेंट उसमें भी आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, डू लेबलिंग ऑफ डायग्राम ऑन वन साइड। तो स्टूडेंट, आपकी जो डायग्राम की लेबलिंग है वो एक ही साइड पे होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डायग्राम की लेबलिंग इधर को जा रही है, कोई उधर को जा रही है, और कोई लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 8 पॉइंट, ड्रॉ लाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ योर आंसर शीट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आंसर शीट जो है उनकी दोनों साइड पे लाइंस लगानी है, तो स्टूडेंट इससे भी पेपर थोड़ा सा इफेक्टिव दिखने लगेगा। एंड स्टूडेंट नंबर 9, डोंट डू डेरिवेशन इन अ सिंपल वे, मस्ट गिव इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट फॉर्मूला विच इज यूज्ड बाय यू टू स्टार्ट डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, डेरिवेशन को सिंपल वे से नहीं लिखना है, आपने लेट अस कंसीडर दैट, है ना, तो ऐसे इसको स्टार्ट जरूर करना है और साथ में थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली आपका डेरिवेशन के अंदर पूरा उसको सॉल्व किया हुआ ही है, आपने थोड़ा सा उसके अंदर थ्योरी को भी डालना है, ताकि आपकी जो डेरिवेशन है थोड़ी सी इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट, गिव मैक्सिमम एग्जाम्पल इन डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल, थ्री जो है, थ्री एग्जाम्पल्स आर मैक्सिमम, ठीक है? तो 2-3 एग्जाम्पल जो है आपको जरूर लिखनी है। सो स्टूडेंट, होप आपको पेपर इफेक्टिव बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पता चले होंगे। सो प्लीज इनको जरूर अपने पेपर में इस्तेमाल कीजिए और अपने पेपर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।